नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने प्रीवियस एच पी टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो एच पी बॉस धर्मशाला ने जारी की थी तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है इन क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीज़न के टाइम ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे तो फ्रेंड्स अगर आप एच पी टैट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न में बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का शाब्दिक परीक्षण है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस तो आपने बताना है कि वर्बल टेस्ट कौन सा है इंटेलिजेंस का इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो है स्टैनफोर्ड विनर टेस्ट जो है वो एक क्या है वो वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस है बुद्धि का वो क्या है शाब्दिक परीक्षण है तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अगले प्रश्न पे चलते हैं पचपन से सत्तर के बीच बुद्धि लब्धि वाले बालक को वर्गीकृत करेंगे ए चाइल्ड हैविंग इंटेलिजेंस क्वेश्चन बिटवीन फिफ्टी फाइव एंड सेवेंटी विल बी कैटेगराइज्ड एज तो जिस बच्चे की जो आईक्यू आईक्यू है वो पचपन से सत्तर के बीच है फिफ्टी फाइव से लेकर सेवेंटी के बीच है तो उसे किस कैटेगरी में किस कैटेगरी किस कैटेगरी में रखेंगे तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेकेंड का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है निम्न मानसिक मंदन में मिल्ड में, मेंटल रिटर्डेशन में उस कैटेगरी में उसको रखेंगे जिस बच्चे का जो आई होगा वो पचपन से सत्तर के बीच होगा अगले प्रश्न में चलते हैं कि इस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व को विशेषक के आधार पर वर्गीकृत किया विच साइकोलॉजिस्ट डिस्क्राइब्ड पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ तो ट्रेड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है आलपोर्ट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आलपोर्ट ने व्यक्तित्व को विशेषक के आधार पर वर्गीकृत किया पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब किया ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड्स ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर चार पे चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा गार्डनर द्वारा दी गई बुद्धि का एक प्रकार नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉ ए टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एज प्रपोज्ड बाई गार्डनर आपको पता होगा मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो थी वो होवार्ड गार्डनर ने दी थी तो आपने इस इस क्वेश्चन में बताना है कि गार्डनर द्वारा जो दिए गए बुद्धि के जो प्रकार थे पार, पार्ट पार्ट्स टाइप्स जो थे इंटेलिजेंस के वो कौन सा नहीं है ये बताना है क्वेश्चन नंबर फोर का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है क्रिएटिव जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्रिएटिव जो है वो होवार्ड गार्डनर द्वारा दिए गए बुद्धि का प्रकार नहीं है ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर पाँच पे चलते हैं अवांछित अनुक्रिया के विमुखी परिणाम सा, सा, के साथ पुनरावृत्त सहचर्या डैश कहलाता है रिपीटेड एसोसिएशन ऑफ अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स विद एन एवरसिवें कंसिक्वेंस रेफरेंस टू तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है विमुखी अनुबंधन जो है आ, एवर्सिव कंडीशनिंग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अवांछित अनुक्रिया के विमुखी परिणाम के साथ पुनरावृत्साचार्य क्या कहलाता है वो विमुखी अनुबंधन कहलाता है क्वेश्चन नंबर छः पे चलते हैं संज्ञानात्मक चिकित्सा द्वारा अवसाद का उपचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया कोअर्डिनेटिव थेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन वॉज प्रपोज्ड वाई तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है ऑर ऑन वेक जो इस क्वेश्चन का एयर ऑन का जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो संज्ञानात्मक चिकित्सा द्वारा अवसाद का जो उपचार अच्छा उप, उपचार इसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था ये एर ऑन वेक के द्वारा प्रस्तावित किया गया था क्वेश्चन नंबर सात पे चलते हैं निम्न में से कौन सी विशेषता प्रभावी परामदर्शिता से संबंधित है विच ऑफ द फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक इज रिलेटेड टू इफेक्टिव काउंसलर तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी ऑल ऑफ द अब जो है प्रमाणिकता जो है तद अनुभूति जो है पुनर्वाक्य विन्यास जो है इस क्वेश्चन के राइट आंसर है तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर आठ पे चलते हैं पलायन अधिगम नैमितम अनुबंधन का उदाहरण है जो कि डैश प्रबलन पर आधारित है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्केप लर्निंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बेस्ड ऑन डैश रेन्फोर्समेंट क्वेश्चन नंबर आठ का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा नकारात्मक नेगेटिव जो है इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है क्वेश्चन नंबर नाइन पे चलते हैं डैश को स्मृति चिन्हों की परस्पर अतिव्यापी और गड़बड़ी के रूप में परिभाषित किया जाता है डैश इज डिफाइंड एज ओवर और डिस्टर्बेंस ऑफ डिफरेंट मेमोरी ट्रेसिस ऑन ईच अद तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है अवरोध जो है इंटरफेरेंस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर टेन पे चलते हैं कौन से शिक्षाविद ने शिक्षा प्रणाली में व्यवहारवाद का विचार दिया विच एजुकेशनिस्ट गे द आइडिया ऑफ बिहेवियरिज्म इन एजुकेशन सिस्टम तो क्वेश्चन नंबर टेन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है वाटसन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वाटसन ने शिक्षा प्रणाली में व्यवहारवाद का विचार दिया था क्वेश्चन नंबर इलेवन पे चलते हैं विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को परिवर्तित करने की सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज बेस्ट इन चेंजिंग द अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट तो क्वेश्चन नंबर इलेवन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना टू आइडेंटिफाई द causes ऑफ अनडिजायरेबल बिहेवियर एंड मैनेज रेमेडियल स्टेप जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर ग्यारह बारह पे चलते हैं वाट्सन और स्कीनर दोनों ने मनोविज्ञान की कौन सी विचारधारा में ओ, योगदान दिया वाटसन एंड स्किनर वोथ कंट्रीब्यूटेड इन विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है व्यवहारवाद जो है बिहेवियरिज्म जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर तेरह पे चलते हैं निम्न में से निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है आपने बताना है कि कौन सा करेक्टली अरेंजड है कौन तो इस क्वेश्चन का जो थर्टीन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कोड संकेतन भंडारण और पुनः प्राप्ति जो है इनकोडिंग स्टोरेज एंड रिट्राइवल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याजे के अनुसार बालक में डैश वस्तु स्थायित्व और संरक्षण के सम्प्रत्य को समझने में सक्षम होता है अकॉर्डिंग टू प्याजे द चिल्ड्रन आर एबल टू ग्रैस्प ग्रेस्प द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड कंजर्वेशन इन तो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का जो राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर सी है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है इस क्वेश्चन के आ राइट आंसर है प्याजे के अनुसार बालक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में वस्तु स्थायित्व और संरक्षण के समृत्या को समझने में सक्षम होता है क्वेश्चन नंबर पंद्रह पे चलते हैं एलेक्सिया किस तरह की अधिगम विकलांगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलेक्सिया इज इज़ विच टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी कौन सी डिसेबिलिटी है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का जो राइट आंसर है वो को ऑप्शन नंबर ए है पढ़ने की अक्षमता जो है रीडिंग डिसेबिलिटी है ये एलेक्सिया जो है ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पे चलते हैं प्रायोगिक मनोविज्ञान के, के जनित किसे कहते हैं हु इज़ द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंटल फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी किसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का जो राइट आंसर है वो का ऑप्शन नंबर ए है विलहम वुंट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन पे चलते हैं निम्नलिखित में से व्यवहार अध्ययन की कौन सी विधि सबसे अधिक मनोवैज्ञानिक uh, और वस्तुनिष्ठ है विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड्स इज कंसीडर्ड द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मैथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर तो क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा प्रायोगिक विधि जो है एक्सपेरिमेंटल मैथड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर अठारह पे चलते हैं बच्चे के विकास के अध्ययन का कार्य क्षेत्र है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे के विकास के अध्ययन का कार्य क्षेत्र है स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इस तो क्वेश्चन नंबर एटीन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ़ द अब जो है बच्चों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन बच्चों के विकास पर पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन और व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन जो है ये तीनों जो है वो आपके स्कोप है स्टडी के स्टडी के ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पे चलते हैं सृजनात्मक शिक्षार्थी डैश होते हैं क्रिएटिव स्टूडेंट्स आर तो सृजनात्मक शिक्षार्थी कौन होते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो अपसारी चिंतक होते हैं डाइवर्जेंट थिंकर्स होते हैं क्रिएटिव स्टूडेंट्स आर डाइवर्जेंट थिंकर्स तो सृजनात्मक शिक्षार्थी जो होते हैं वो अपसारी चिंतक होते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पे चलते हैं मैकडगल के अनुसार मूल मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से है अकॉर्डिंग टू द एक्टेबल बेसिक इन्सेक्ट क्यूरिसटी इज रिलेटेड टू विच इमोशन तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का जो राइट right आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है आश्चर्य जो है वंडर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर इक्कीस पे चलते हैं कि इस मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक uh, मनो के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस एंड स्लो प्रोसेस अकॉर्डिंग टू विच साइकोलॉजिस्ट ये किसने कहा है कि जो विकास है वो एक सतत और धीमी प्रक्रिया है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है बी एफ स्किनर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उन्होंने कहा है कि विकास जो है एक सतत और धीमी प्रक्रिया है डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यूस एंड स्लो प्रोसेस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू पर चलते हैं अब धारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट इज मेनली ए पार्ट ऑफ तो ये किसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है बौद्धिक विकास जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर तेईस पे चलते हैं सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किस अवस्था में होता है इन विच स्टेज द इंटेंस एंड क्रूसियल टेक प्लेस तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है किशोरावस्था जो है एडोलोसेंस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण जो है वो आपका किशोरावस्था में होता है एडोलोसेंस में होता है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर चलते हैं मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ इज तो मूल्यांकन का उद्देश्य बताना है आपने क्वेश्चन नंबर चौबीस का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है और सभी बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना बच्चों बच्चा क्या सीखा बच्चे ने क्या सीखा है क्या बच्चा के जीवन में आई कठिनाइयों को जानना टू डिक्लेयर स्टूडेंट्स पास फेल टू नो वट द चाइल्ड हैज़ लर्न टू नो द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द चाइल्ड इन द लर्निंग ये चार तीनों जो है वो मूल्यांकन के उद्देश्य हैं ऑब्जेक्टिव हैं एवेल्यूएशन के तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पच्चीस पे चलते हैं मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं डैश के विकास का अर्थ है मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज विच आर यूनिवर्सल यूनिवर्सल इन नेचर इज तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है अभी व्यक्ति जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मैनिफेस्टेशन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्टी ट्वेंटी सिक्स पे चलते हैं थर्स्टन और लिकर्ट से किस मापन से संबंधित है थर्स्टन एंड लिकर्ट मेजरमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग थी ये किसके मापन से संबंधित है थर्स्ट और लिकर्ट जो है ये आपके एटीट्यूड के से हैं अभिवृत्ति के अभिवृत्ति मापन मापन से ये संबंधित है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर सत्ताईस पे चलते हैं कि सीखने के नियम का प्रतिपादन किसने किया हु परपॉन्डेड द लॉज ऑफ लर्निंग तो लॉज ऑफ लर्निंग जो था वो उसका प्रतिपादन किसने किया था ट्वेंटी सेवन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है थोडाइक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपको पता होगा ट्रायल एंड एर जो थ्योरी थी थे, वो भी थोड़ा ने ही दी थी क्वेश्चन नंबर अठाईस पे चलते हैं सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है सीखने की जो सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि है जो किस अवस्था के लिए उपयोगी है प्रोजेक्ट मेथड ऑफ लर्निंग इज यूजफुल फॉर विच स्टेज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ ऑल ऑफ दी अब जो है ये बाल्यावस्था चाइल्ड हुड के लिए भी है पूर्ण बाल्यावस्था के लिए भी है प्री चाइल्ड हुड के लिए भी है और किशोरावस्था एडोलोसेंस के लिए भी है ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट मैथड ऑफ लर्निंग इज यूजफुल फॉर चाइल्ड हुड प्री चाइल्डहुड एंड एडोलोसेंस ये तीनों स्टेज के लिए हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन में बोला गया है कि अहम निर्देशित करता है ईगो इज गाइडेड बाय तो ईगो जो है वो निर्देशित होता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन का जो राइट आंसर है वो का ऑप्शन नंबर बी है वास्तविकता सिद्धांत से रियलिटी प्रिंसिपल से जो है वो गाइड होता है ईगो इज गाइडेड बाय रियलिटी प्रिंसिपल तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है इसमें बोला गया कि किसने कहा कि दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं हु सेट टू चिल्ड्रन हैव हैव नो कॉमन एबिलिटीज ये किसने कहा ये आपने बताना है तो क्वेश्चन नंबर थर्टी का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है हर लोक ने कहा है हर लोक ने कहा है कि दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही आज हमने साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस एच टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए थे तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने जितने भी आंसर आपको बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए तो फ्रेंड्स अगर आप एच टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस आपको आगामी एच पी टैट जे शास्त्री एल मेडिकल नॉन मेडिकल आर्ट्स जे सभी स्ट्रीम शास्त्री पंजाबी उर्दू सभी स्ट्रीम वालों के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल साबित हैं होंगे तो फ्रेंड्स आपने इन क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें तो थैंक यू फ्रेंड्स